लेकिन भैया से जब बात की, भैया इतना मतलब पहला बार ही कौन सा सिटी में आए तो मिलो 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 बोल पेन, मतलब बैक बोन पूरा पेन हो रहा है, फिर भी मेरे लिए मगन जा रहा है, उसके लिए तो यार दिल से सैल्यूट है। तो गाइस यार मैं पब्लिक डांस करके लोगों को डराता हूं, लेकिन अभी जैसे विराट आया ना यार, भैया से थोड़ा सा जानता है ये लेक के बारे में। हे गाइस, लो फिर हम आ गए और एक नया ब्लॉग लेकर। सो गाइस यार आज हम लोग जा रहा मगन, और गैंगटॉक से 30 something किलोमीटर है। सो भाई का गाड़ी लेके, अनिल भाई का गाड़ी लेके आज हम जा रहा, मतलब ये मेरा लास्ट डे सिक्किम में, ठीक है। आज लास्ट डे होगा, कल मैं कालिंपोंग चला जाऊंगा, ठीक है। सो यार जितना दिन भी यहाँ पे रहा, मतलब इतना मतलब मेमोरेबल बना दिया ना अनिल भाई, मतलब क्या ही बताऊँ। SK01 अनिल नहीं होता ना तो कसम बोल रहा है सिक्किम में इतना हम मस्ती, इतना हम इंजॉय नहीं कर पाता। भाई था बोल के हमको घुमाया है ना, बहुत सारा जगह घुमाया उनका गाड़ी में, स्कूटी में, मतलब जितना सकता उन्होंने उतना मेरे लिए किया। तो ये मतलब ये जो मतलब है ना कि दोस्ती वाला, जो मेरे को एक दोस्त के नाते इतना कुछ कराया है ना, उसको हम जिंदगी भर नहीं भूल सकता है ना। सो जब भी अनिल भाई हम लोग का आसाम आएगा तो मेरा तरफ से उनको हमेशा वेलकम है। सो गाइस यार अब हम लोग मगन निकल रहा है। सो केड़ा हो, कैसे हो आप सब, आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में, KB05 नाचो टिटी। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे अनिल भाई का गाड़ी, ठीक है, और अनिल भाई का और इनका इतना प्रॉब्लम है, बैक पेन, मतलब बैक बोन पूरा पेन हो रहा है, फिर भी मेरे लिए मगन जा रहा है, उसके लिए तो यार दिल से सैल्यूट है, सैल्यूट है, ठीक है। तो गाइज यार इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना, मतलब साइकिल से, और क्या मतलब आप लोगों को पूरा फुल एंटरटेन कराएगा। तो गाइज यार थोड़ा पहले मैंने जो बताया था आप लोग को है ना कि मगन यहाँ से 30 किलोमीटर यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है, तो हमारे को और 53 किलोमीटर जाना है। और ये देख सकते हैं गाइस साइड में स्तूपा है ना गाइस, यार ये व्यू चेक करो, क्या ही मस्त लग रहा है यार। वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम। सो गाइस यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम, और हम लोग नॉर्थ सिक्किम की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो गाइस यार अभी हम लोग नॉर्थ सिक्किम एंटर कर चुका है, ठीक है, और नॉर्थ सिक्किम से आप गुरुदुंगमा लेक वो भी जा सकता है, लेकिन आपको उसके लिए परमिट एक दिन पहले बनाना पड़ेगा गैंगटॉक में, ठीक है। और इस बार तो हम लोग नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग परमिट वर्मिट कुछ नहीं बना, और उतना समय भी नहीं हम लोग का साथ, और हमारा अनिल भाई का भी बहुत सारा काम है, ठीक है। इतना दिन मेरे लिए टाइम दिया वो मतलब मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा बात है, वो जिंदगी भर हम नहीं भूल सकते, ठीक है। सो गाइस यार क्या है ना, अब हम लोग मगन में आज उधर ही स्टे करेंगे, वहाँ पर दो भैया है खलिंगदा और विराट दा, ठीक है। सो उन लोगों का घर पर आज स्टे करेगा, फिर हम लोग वापस कल गैंगटॉक आएगा, और गैंगटॉक से हम फिर कालिंपोंग निकल जाएगा। सो गाइस यार नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर गुरुदुंगमा लेक जाएंगे और नॉर्थ सिक्किम पूरा घूमेंगे, ठीक है। टिट यू। तो गाइस यार अभी हम लोग मगन जा रहा था, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेवन सिस्टर फॉल्स देखने मिला है, इतना ही ज़्यादा सुंदर है गाइस। तो आप लोग देखो ये नज़ारा है, कितना ऊपर से इतना बड़ा वाटरफॉल, ओ माय गॉड, ये चेक करो गाइस नज़ारा, ओ भाई कैसा लगा भाई, मजा है ना, खूब भालो यार, ये चेक करो भाई, यहाँ पे मतलब एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब बना रहा है, ठीक है। और जब बन जाएगा ना भाई ये बहुत ही मस्त लोकेशन बन जाएगा टूरिस्ट लोग के लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऊपर से आ रहा देख सकता गाइस। तो गाइज यार अभी हम लोग जो सेवन सिस्टर फॉल्स है ना यहाँ पे रुक के लेमन टी मतलब पी रहा, ठीक है, मतलब भाई को मतलब चाय पीने का मतलब बहुत ही ज़्यादा तलब है, वो चाय पीना रह मतलब रह नहीं सकता, ठीक है। सो अभी यहाँ से 35 किलोमीटर मोर टू गो है ना, तो और 35 किलोमीटर जाना पड़ेगा। सो गाइज यार फॉल्स का नाम सेवन सिस्टर क्यों है पता है, क्योंकि ये सेवन स्टेप मतलब एक बार गिरता है फिर एक बार गिरते, इससे पहले ब्लैक टी उसके बाद सेवन सिस्टर 60 स्टेप मतलब नीचे गिर गिर के फिर नीचे आता है, इसीलिए इसका नाम सेवन सिस्टर है। अभी तो ये बंद रहा, जब बन जाएगा ना भाई मतलब ऊपर से आप देख पाएगा, बहुत ही मस्त है, इसलिए सेवन सिस्टर से है। पहले मैं एक बार ना सात बहन है उनका, और मैंने सातों को गर्लफ्रेंड बना रखा था, एक बार मैं यहाँ पर लेकर आया तो सेवन सिस्टर फर्स्ट नाम हो गया। देखो भाई सात गर्लफ्रेंड को लेके आया, इसीलिए ये फॉल्स का नाम, सात गर्लफ्रेंड एक ही बहन थे के साथ, सातों बहन को मैंने गर्लफ्रेंड बना रखा। ओह सातों बहन को, सातों बहन को, और यहाँ पर लेकर आया फर्स्ट को देखने। तो तुम्हारा सेवन सिस्टर नाम बना है, ओ SK01 अनिल का वजह से सेवन सिस्टर नाम पड़ा, मतलब सात बहन को गर्लफ्रेंड बना के सेवन सिस्टर में लेके जाता है ना, मतलब एक स्टेप में पहले स्टेप में एक को रखा, दूसरे स्टेप में दूसरे को, साथ नहीं वहाँ पर गिरा दिया, ओ गिरा दिया,
गिरा दिया, एक-एक स्टेट में एक-एक गवर्नमेंट गिरा दिया, तो सेवन सिस्टर्स हुआ है। क्योंकि कुछ नाम पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, इसीलिए भाई ने सात बहन, मतलब बहन जिसको गर्लफ्रेंड उसको खोया, इसलिए सेवन सिस्टर बनाए। तो गाइस अब यहाँ से शायद 15 किलोमीटर होता होगा, ठीक है मगन। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुका हुआ है, भाई का गाड़ी वहाँ पे खड़ा कर दिया और हमारा अनिल भाई इधर पे। तो गाइस यार अब थोड़ा देर बाद हम लोग पहुँच जाएगा मगन, तो वहाँ पे जाके तो फुल एंजॉय करेगा, मस्त मगन होगा, मगन में जाके मस्त मगन होगा। और गाइस बूढ़ा आदमी की तरह हमको खांसी मतलब पूरा पकड़ चुका है, ठीक है। ये नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है, लेकिन उतना खास कुछ दिखाई देखने में नहीं है, बट मेरा फोन में वो जितना दिखाई पा रहा है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो भैया फाइनली गाइस अभी हम लोग मिल चुका हमारा खालिंग डाको। सो यहाँ पे देख सकता भैया को मिलने का बहुत ही चाहत था, तो फाइनली हम लोग जो जी कौन था था जीरो जीरो उनचिंग इंचिंग रिंचिंग इंचिंग रिंचिंग जीरो में तिनचिम जीरो में अभी हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। सो गाइस यार अभी भैया को मिलकर बड़ा मजा आ गया, ठीक है। अभी और मस्ती करेगा थोड़ा बाद में। अनि कहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो उता के भन्छ विराट दाजु हजुर आउनु हुँदैछ नि। तो गाइस यार अभी थोड़ा सा भैया से बातचीत करते हैं, उसके बाद ब्लॉग शुरू होगा, ठीक है। टिटिंग एकदम थैंक यू सो मच दाई एकदम डायरेक्ट। सो गाइस यार एक बात बोलना चाहता है भैया से, मतलब हम फोन में बात कर रहे हैं, ठीक है, खाली का और विराट दास से तो अभी इतना अच्छे से बात नहीं हुआ है, लेकिन भैया से जब बात किया भैया इतना मतलब पहला बार ही कॉल किया, सिक्किम आए तो मिलो नहीं मिलो बोल रहे थे, बस हम कॉल करना लेट हो रहा था, तो भैया उसने कॉल किया उसके लिए सॉरी भैया, हम मतलब थोड़ा लेट कॉल कर दिया, लेकिन बड़ा मजा आ गया गाइस। और भैया लोग के लिए कुछ स्पेशली सरप्राइज है असम का तरफ से, ठीक है। सो थोड़ा बाद में आप दिखाएगा, ठीक है। भैया को फिर से मैं भी थैंक यू बोलना चाहूँगा एसके जीवन अनिल की तरफ से, ठीक है। थैंक यू आसाम से हम आया है ना, तो आसाम का एक प्यारा कुछ सरप्राइज तो बनता है हमारा खालिंग 26 ब्लॉग भैया के लिए, है ना। तो देखो गाइस जैसे हम लोग को खदा लगाया भैया है ना, तो हम लोग का आसाम में भी एक बहुत ही माना जाना जो इसी से लोगों को सम्मानित करता है, तो आज हम सिक्किम में आके हमारा खालिंग भैया को हम आसामीज गमसा के मतलब है ना कि आसाम के एक कल्चर को दिखाना चाहता है। सो हमारा आसाम की तरफ से खालिंग का इसको बोला जाता है आसामीज गमसा, तो इधर में आप लोग आपको क्या बोलना है, जॉय आई अखम मैं पब्लिक डांस करके लोगों को डराता हूँ, लेकिन अभी जैसे विराट आया ना हेलो बोल के मेरा मतलब हार्ट बीट बढ़ गया, ठीक है। तो भैया मतलब कमेंट करते रहता हम लोग को, और आज फाइनली गाइस मिल के इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मेरे सोची ना थी गाइस, मतलब है ना होता ना कि मतलब नया लोगों से मिलके जो वाइब आता है मतलब आज फील हो रहा है, क्योंकि हम लोग आया गैंगटॉक से मगन तक, तो यहाँ पे आके जब भैया लोग को मिला ना तो वो रास्ता का जितना मतलब थोड़ा दुख तकलीफ था वो पूरा का पूरा मिट चुका है कि नहीं भैया। भैया का ये बताइए भैया लोग का बोलबम वाला ट्रिप कैसा रहा? नहीं बहुत बढ़िया बढ़िया ना, मैं आपका पूरा वीडियो देख रहा था ना, एकदम बोलबम वाला कपड़ा लगा के घूम ही रहा भैया मजा आता है गाइस। तो थोड़ा बाद में और इंजॉय होगा और मस्ती होगा, तो भैया के लिए भी एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज भैया को भी देना बहुत जरूरी है। आसाम का लौंडा सिक्किम में आके सिक्किम के मतलब भैया को सरप्राइज देगा, ठीक है। टिट्यू एक बार टिट्यू भैया टिट्यू क्या कैसे करते टिट्यू अच्छा टिट्यू यस। तो भैया गाइस यार अभी हम लोग जा रहा है तिमचिम लेक, और हम हमारे को लेके जा रहे कौन भैया बताया, हम लोग का खालिंग 26 ब्लॉग भैया हम लोग को लेके जा रहा है। और गाइस आप लोग को बताना चाहता है जो भैया हम लोग के साथ है ना, वो भैया भी यूट्यूबर है, तो भैया का भी यूट्यूब चैनल है, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेंशन भी करके जरा फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, ठीक है। केवी भाई का तरफ से जो भी जाके सब्सक्राइब कर रहे हैं ना भाई, कमेंट एक छोड़ देना KV05 नाचो फैमिली का तरफ से, तो भैया को पता चले कि हमारा तरफ से भी सब्सक्राइबर गया है, ठीक है। जो भी भैया जो भी KV05 की तरफ से जाके सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करेगा है ना, ठीक है, उसको KV05 उसके पब्लिक डांस में ना लेडीज का स्कर्ट पहने के नाचने का मौका देगा, तो फिर ये मौका के कभी हाथ में जाने मत देना यार, जल्द से मौका को ग्रैब कीजिए, स्कर्ट लाके नाचने आए थे यार। तो गाइस यार आप पहले तो बोर लग रहा था, ठीक है, रास्ता का जो हम लोग का ट्रेवल था वो मतलब बहुत ही मतलब सीन थोड़ा अलग अलग हो रहा था, दुख भरी कहानी बात कर करके आया, लेकिन अब जब यहाँ पे पहुँचा ना तो दो भैया को मिला इतना मतलब भयंकर मजा आ रहा ना यहाँ पे, तो अब हम लोग लेक जाएंगे, लेक का व्यू आप लोग को दिखाएंगे और भैया को भी थोड़ा मस्ती कराएंगे, ठीक है। फाइनली पहुँचने ही वाला है तिमचिंग लेक, ठीक है। तो आज के तिमचिंग लेक घुमाने का मतलब पूरा का पूरा प्लान बन गया हमारा यहाँ पे जो खालिंग 26 ब्लॉग भैया है ना, तो भैया ने देखो कितना बढ़िया सा काम किया यहाँ पे,
मतलब वो मछली लोग के लिए बिस्किट और यहाँ पे मुरई लिया हुआ है। सो गाइज यार अब हम लोग जंगल वाला रास्ता होके जा रहे हैं, बट मेरे को इतना आइडिया नहीं है, अब भैया ही लेके जाएगा कहाँ कहाँ से जाना है कि नहीं भैया? ये इसको गौरी बेत बोलते है, ठीक है, इसको लंबा लंबा लकड़ा होने से और इसे बम्बे गाइज यार यहाँ पे आके मतलब इतना मतलब मजा आ रहा है ना, मतलब है ना कि हम लोग चढ़ते जा रहा और पूरा जंगल के बीचों बीच हम लोग हैं। अभी तक लेक पहुंचा नहीं है, बस लेक पहुंच के आप लोगों का वहाँ का नजारा चेक कराएगा। सो गाइज यार स्टे ट्यून, आज के वीडियो में आप लोगों को प्यार दिखाना, ठीक है। तो भैया गाइज यार अभी आप लोग तिनचिन लेक में आके आप लोग को यहाँ का मछली दिखाएगा, कितना मतलब यहाँ पे मतलब कोई खाता होता नहीं, ठीक है, ये मछली यहीं पे रहता है, पानी ज्यादा होता है फिर भी यहीं पे रहता है, मतलब यहाँ का कुछ स्टोरी है जो हम लोग को भैया बताएगा किस लिए ये लेक बनाया गया है, ठीक है। तो भैया से थोड़ा बाद में जानता है, तो अभी मछली को कुछ खिलाता है, ठीक है, क्योंकि ये जगह पे आया तो खिलाना भी जरूरी है ना। तो भैया आ जाइए देखो गाइस मछली, ओह माय गॉड, ओह भाई ये देखो भाई मछली, ये देखो गाइस, ये देखो 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 मुंह में मुंह देखो इसका, ओ बाप रे बाप, भयंकर। तो गाइज यार सो गाइज यार यहाँ पे अभी खालिंग था, ये जगह हमको इतना आइडिया नहीं क्योंकि हम तो यहाँ पे मतलब घूमने के लिए आए हैं, ठीक है। तो भैया से थोड़ा सा जानता है ये लेक के बारे में, ये लेक यहाँ पे कैसे हुआ और ये लेक के बारे में थोड़ा सा जानता है, चलो भैया थोड़ा सा बता दीजिए लेक के बारे में। ये लेक जो मेरे पीछे में दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल लेक है और इसको विशिंग लेक भी बोला जाता है, मीन्स काफ़ी दूर दूर से आदमी क्या बोलते हैं लोग आस्था जो जिस पे आते हैं ना, तो वो लोग आस्थावान काफ़ी सब यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी का विश पूरा करना है तो कोई कोई यहाँ पे मछली ऐसे छोड़ के भी जाते हैं, और यहाँ का जो मछली है वो इसको मारा नहीं जाता है, ऐसे यहीं पर ऐसे लेके छोड़ देते हैं, इसको खाया नहीं जाता, इसको पकड़ा नहीं जाता। जो भी आते बाहर से जितने भी डिवोटीज आते हैं वो इन लोगों की मछली के लिए कभी मुर्रा ये जो खाने का थोड़ा थोड़ा चीज़ें लेके इनको खिलाते रहते हैं ताकि उन सब का विश भी पूरा हो और मछली को एक दिन का भरपेट खाना मिले। तो इसी मॉडल से और यहाँ पे साल में एक या दो बार काफ़ी पूजा वगैरह होता रहता है यहाँ पे, एंड ओके थैंक यू सो मच द फॉर वेरी क्लियर एंड वेरी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस लेक, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन वहाँ पे बोर्ड है, मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके ओके जरूर जरूर। तो गाइस यार अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तिनचिन लेक हम लोग घूम लिया, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस क्या है ना, ये बहुत ही पुराना मतलब सदियों मतलब पुराना ये लेक है, ठीक है, जो कि मतलब फॉर फादर्स लोग का टाइम से, ठीक है। सो गाइज यार यहाँ पे क्या है ना कि कोई जो भी यहाँ पे आता है लाइक कोई मछली लेके आता है यहाँ पे छोड़ता है ना, तो विश मांगते हैं, तो वो विश पूरा होने के लिए या तो किसी का बीमार है या तो कुछ है ना, तो यहाँ पे विश मांगने के लिए लोग आता है। तो गाइज यार आप भी अगर सिक्किम आ रहा है तो ये आपका मगन पहुँचने का पहले जीरो जो है ना जीरो पॉइंट से आपको जाना पड़ता है। सो मेरे को उतना नॉलेज तो नहीं, लेकिन जीरो पॉइंट में आप किसी को भी पूछेगा कि तिनचिन लेक कहाँ है तो आपको हर कोई बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आप यहाँ पे आके अगर आप विश मांगना चाहते हो तो ज़रूर आप लोग आना, आप लोगों का विश भी पूरा होगा क्योंकि ये जगह बहुत ही पीस है, शांति, लाइक यहाँ पे मछली लोग को एक वर्ड से बोला जाएगा तो मछली लोग को यहाँ पे ज़िंदगी दिया जाता है, ठीक है, वो लोग को जीने का हक दिया जाता है क्योंकि यहाँ का मछली कोई उठा के खा नहीं सकता है, ठीक है। गाइस अब हम लोग तिनचिन लेक को छोड़ के जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितना टाइम बिताया लाइक है ना अपना सोल मतलब अंदर से मतलब एक होता है ना कि
पीस, पूरा शांति, यहाँ पे कुछ हल्ला चिल्ला नहीं है, मतलब लगता है कि हम लोग अलग ही एक जन्नत पे, ठीक है। तो गाइस यार अब हम लोग बैक टू होम हो रहा है, बैक टू रूम हो रहा है ना, जो जगह से हम लोग स्टार्ट किया था वीडियो को उसी जगह पे अभी जा रहा है अब भैया के रेस्टोरेंट में। सो गाइस यार आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके अभी बता देना। सो बात का क्या सीन होता है आप लोग को दिखाया, अगर वीडियो बनाना होगा तो हम बनाएगा, नहीं होता है तो वीडियो को एंड कर देगा, ठीक है।